तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में एक प्रोजेक्ट हम डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर फोल्डर से फाइल का लिस्ट हम ले सकते हैं। एक फोल्डर में लिस्ट है अगर फोल्डर का लिस्ट है तो उस लिस्ट में से हमें डेटा को भी डालना है। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं लास्ट हमने जो लास्ट कराया था उसमें पहले हम बात करते हैं फिर इससे आगे। मतलब मेरा काम है कि एक फोल्डर में जितने भी फाइल है उन फाइल का डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना हम ये चाहते हैं। हेलो जी सर, क्या बोला आपने? आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी। मैं बोला था कि एक फोल्डर में जितने भी फाइल है उन फाइल का डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है, कुलेट करना है। ये प्रोजेक्ट okay. बताया था फाइल के बिटवीन फाइल है, एक फाइल में अगर 10 सीटें है तो 10 सीट का डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट हो जाता था, याद होगा आपको। यस सर। उसी के हम फाइल में एक फोल्डर में जितने फाइल है उसका डेटा लेना है। ओके। तो यहां हम इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स को, सब्जेक्ट कॉपी करके हम बनाते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की थी एक डीआईएल फंक्शन में, हम उसी डीआईएल फंक्शन की बात करेंगे आज। सबसे पहले तो मैं एक लोकेशन में जाता हूँ जहां मेरे फाइल पड़े हों, जहां से मैं डेटा हमें एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर सके। हेलो सर। हाँ जी। ये जो टॉपिक चलेगा वो हमारा फॉर लूप चलेगा या कुछ और चलेगा? नहीं, डू व्हाइल लूप चलेगा, जो हमने लास्ट क्लास में बताया वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, उसी में आगे कर रहा हूँ। अच्छा, डू व्हाइल ही चल रहा ना अभी सर? तो खत्म हो गया सर डू व्हाइल। हमें क्या करना है कि डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो डिम एफ एन एज ए रेंज नेम आप दीजिएगा स्ट्रिंग करेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ एफ एन इक्वल टू हमने डालेंगे डी आई आर, और किसके अंदर हम अपना पाथ डालेंगे और डॉट यहाँ पे स्टार डॉट एक्सएलएस और स्टार डाल दिए ताकि एक्सएलएस एक्स हो एम हो तीनों समय सारे उठा ले। और फिर यहाँ पे हमें देना है वीवी नॉर्मल, यहाँ पे हमें डू व्हाइल एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में समझाया था कि हमने डू व्हाइल में क्यों लिए हैं, ये आप लास्ट क्लास की वीडियो देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। अब मुझे अभी तो फिलहाल मान लीजिए फाइल लिस्ट आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा रेंज ए 65000 डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ एन, और यहां पे एफ एन इक्वल टू डी आई आर दोबारा दूसरा फाइल रिलोड करने के लिए। अब ये लूप चलेगा तो यहां पे हमारा सारे फाइल लिस्ट आ जाएगा, लेकिन मुझे फाइल लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो फाइल का डेटा चाहिए। वन बाय वन जाएगा इस फोल्डर में ओपन करेगा और डेटा को कॉपी पेस्ट करेगा यहां डेटा सीट पे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे एक और स्ट्रिंग लेता हूं एक्टिव फाइल ए कॉमा ए एस कर दिया सॉरी एस इक्वल टू
एक्टिव वर्ब वो डॉट नेम, यह मैंने ले लिया जो फाइल का नेम होगा। उसके बाद मुझे इस फाइल को ओपन करना, मैं इसको एक अपडेट कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हमें इस फाइल को ओपन करना है। तो यहां डालेंगे वर्ब बुक्स डॉट ओपन एंड इसमें मैं अपना पाथ डालूंगा, पाथ, और इसके साथ कंबाइन हो जाएगा fn, क्योंकि फाइल नेम तो fn पे ही है। फाइल ओपन हो जाएगा, मुझे यहां पे पहले शीट में जाना है, शीट वन डॉट सेलेक्ट रेंज डॉट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इससे डॉट नहीं आ रहा, डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, हमने डेटा को कॉपी कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं सर? सर इसमें तो पूरी शीट कॉपी होगी ना, सिर्फ सिलेक्ट मतलब जो एम्प्टी कॉलम्स है वो भी कॉपी हो जाएंगे ना? नहीं नहीं, वो करेंट रीजन सिर्फ लेता है। ओके ओके, और फिर यहां पे हम आएंगे वर्क बुक्स, और हमने यहाँ पे वर्क बुक्स में एस डॉट फिर शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट फिर रेंज 65,000 डॉट एंड सब नीचे से ऊपर जाना है, क्योंकि मुझे एक के नीचे ही करना है ना, इसलिए ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। समझ में आ रहा है कि नहीं सर? देखिए तो बस मुझे सबसे पहले मैं जो फाइल जिस फाइल में डेटा कॉपी कर रहा हूँ फाइल का नेम हमने स्टोर करवा दिया है इसके, फिर हमने डायरेक्शन फंक्शन डी आई फंक्शन लगा के सारे फाइल का नेम यहाँ पे ले लिया है, बट डी आई आर एक बार में एक ही फाइल का नेम एफ एन को देगा। फिर हमने क्या किया, जो फाइल का नेम दिया है हमने उसके ओपन करवाया, उसके पहले शीट पे गए, फिर हमने डेटा को सिलेक्ट किया कॉपी किया, फिर हम जो हमारा डेटा बुक जहां पेश करना है उसको हमने एक्टिवेट किया। यहां एस इसलिए दिया क्योंकि मैंने उसका नाम यहां स्टोर करवा रखा है, उसके डेटा शीट मुझे पता है, डेटा शीट पे जाएगा और नीचे से ऊपर जाके एक रो नीचे आएगा और वहां पे पेस्ट स्पेशल कर देगा। फिर वापस अब आगे क्या होगा, इसमें पेस्ट स्पेशल हो गया, फिर फाइल को सेव कर सकता है, सेव करने का ऑप्शन डालिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, और फिर जो फाइल हमने ओपन किया है ना उसको क्लोज करना है। लेकिन उससे पहले हमें लिखना है, यहाँ पे एक चीज देना है कि एप्लीकेशन द कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, क्यों करना है, ताकि एस्केप हम मार दें, कॉपी मोड हट जाए। Then यहां पे हम लिखेंगे वर्क बुक्स कौन सा एफ एन डॉट क्लोज, और हमें सेव नहीं करना है इसलिए फॉल्स, राइट। और यही वर्क दूसरे के लिए चलेगा, तीसरे के लिए चलेगा, डी आई आर क्या करेगा, फंक्शन को दूसरे फाइल को रिलोड करेगा, क्योंकि इसने एक ही फाइल नेम दिया है ना, दूसरे फाइल को रिलोड करेगा, और हमेशा रिलोड करेगा, और लूप कब तक चलेगा, जब डी आई आर के पास कोई फाइल नेम नहीं बचेगा और फंक्शन को ब्लैंक रिलोड करेगा, तो ऐसी व्हाइल इसको खत्म कर दे, इस लूप की प्रोसीजर को खत्म कर दे। क्लियर है इस कोड पे किसी को कोई डाउट? हेलो सर,
यूज का हमने जो दिया सीट वन, लेकिन अगर सीट वन टू तीनों में डेटा होगा तो फिर तो एरर हो जाएगा। हाँ, इसमें डेटा पता होना चाहिए कहाँ होना चाहिए। जब डेटा जब डाउनलोड होती है तो एक ही सीट पे होती है सर, पहली सीट पे होती है, उसमें एक ही सीट होता है। नहीं सर, एक्चुअली कभी कभी होता है ना, तो आपको फाइल सही करने पड़ेंगे ना। आप उसको कैसे पता चलेगा? आप मान लीजिए किसी में एक में, किसी में तीन में, किसी में चार है, तो डेटा में कैसे पता चलेगा? कोई उपाय नहीं है। सर यहाँ पे लास्ट सॉरी, यहाँ पे जो लास्ट लाइन है fn is equal to dir, इसका क्या फंक्शन है? बेसिकली आपका fn क्या है? एक स्ट्रिंग है ना। हाँ, और स्ट्रिंग कभी भी एक ही फाइल नेम पे स्टोर करता है, करता है ना। यस सर। उसका फाइल क्यों आया? क्योंकि मेरे पास कई सारे फाइल है ना। ये चीजें तो मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था ना सर। मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। इसको रीलोड करना पड़ेगा, इसको रीलोड बोलते हैं। इसने नेम दिया, उस पे चला, फिर इसने दूसरे नेम के लिए फिर वापस डीआईआर में ब्लैंक करना पड़ेगा, तो फिर दूसरा नेम देगा। डीआईआर क्या करता है, एप्लीकेशन से अपना सारा फाइल लिस्ट लेता है और वन बाय वन किसी वेरिएबल को देता है। तो दूसरा बार देने के लिए फिर इसको डीआईआर ब्लैंक ओपन करेंगे, तो इसके बाद जो नेम होगा उसको रिलोड कर देगा। समझे? ओके सर। टेस्टिंग कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि मैं मेरे हाथ से एरर बहुत होते हैं इसलिए। एरर तो कोई नहीं बुझा रहा, काम कर रहा है। सातों फाइल का डेटा लोड कर दिया, कर दिया ना सर। इसमें डू अंटिल का यूज नहीं कर सकते? डू अंटिल का यूज करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे प्रोग्राम एक कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। अगर आप डू अंटिल करते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे एफ एन इक्वल टू ब्लैंक करना पड़ेगा। हाँ, यस करेक्ट। ठीक है, मैंने बताया था कि इसका ऑपोजिट हो जाता है। रन करके देख लीजिए। करेक्ट करेक्ट, समझ गए? यस सर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा लोकेशन फिक्स है ना, बट मेरा लोकेशन तो चेंज हो सकता है ना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोकेशन मुझसे पूछे। बात समझे? तो उसके लिए हम यहाँ पे dim fl as a string कर देते हैं। तो यहां एप्लीकेशन डॉट एक प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी के लिए होता है फाइल डायलॉग, फाइल डायलॉग। इसमें आपको क्या करना है? डायलॉग फाइल पिकर नहीं, मुझे फोल्डर फाइल पिकर एक पर्टिकुलर फाइल एक को करना है। चलिए ठीक है कि मुझे फोल्डर ही लेना है ना। तो हमने यहां पे MSO डायलॉग फोल्डर पिकर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और विथ कमांड में लगाता हूं डॉट इनिशियलाइज, क्योंकि आपको एक डिफॉल्ट फाइल पाथ देना पड़ेगा। यहां पे एक फाइल पाथ डिफॉल्ट क्या, कौन सा फाइल फोल्डर खोलेगा? तो मान लीजिए मैं डिफॉल्ट में डेस्कटॉप दे देता हूं, क्या या जो भी देना चाहते हैं डिफॉल्ट आप दे दीजिए, जिसमें आपका मोस्टली फाइल होता है। तो मैं डेस्कटॉप दे दिया। फिर यहां पे आपके पास आता है टाइटल, टाइटल में हमने दे दिया सेलेक्ट फोल्डर, फिर यहां पे डॉट सिलेक्टेड आइटम दिख रहा है ना, हमने वन दे जीरो, जीरो रहेगा। लेकिन इसको हम यहां पे कर देंगे एफ एल इक्वल टू, ताकि सिलेक्टेड फाइल का लिस्ट यहां पे आ जाए। और यहां पे फिर मैं एंड विथ कर देता हूं सर। यहां पे जैसे मैं इसको रन करूंगा तो
तो मुझसे पूछेगा एक मिनट. वन होगा मैं डॉट शो शो करना भूल गया. ऐसे अब मैंने इस पे डबल क्लिक किया, इसके डेटा पे डबल क्लिक किया, डीटी को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया एंड हम इस फोल्डर को ओके कर देते. बाकी कॉपी पेस्ट हो रहा है दादा, लेकिन अभी मैंने जस्ट उसको सिलेक्ट किया है, इसका पाथ मैंने नहीं दिया है, मैं इसका यूज मैंने नहीं दिया. तो यहाँ आप जो हम यूज करेंगे वो करेंगे FL को. देखिए हाँ FL और इसके साथ ये हमारा कंबाइन हो, ठीक है. और यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर अपनाएं. स्लैश इसलिए दिया क्योंकि ये स्लैश नहीं होता है इसमें. तो जैसे माइक्रो रन होगा ये पूछेगा आपका फोल्डर, आप फोल्डर को पिक करेंगे, फोल्डर पिक करने के बाद उसके जितने भी फाइल है उस सारे फाइल को कॉपी पेस्ट एक के नीचे कर. हमने तो इसको हम लोग ब्राउज बटन बोलते हैं. आप बटन पे इसको रन करना चाहते हैं ब्राउज वगैरह में, जब यूजर कॉन्फिग्रेशन तो इसमें ब्राउज बटन का ऑप्शन लगा देते हैं. जैसे आपका ब्राउज होता है मेन वगैरह में होता है ना ब्राउज, या जब आप ओपन करते हैं तो ओपन करते समय आपको ये ब्राउज बटन दिख रहा है ना सर, इस तरह का डायरेक्टली ओपन करने का. ये ब्राउज बटन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना MSO फोल्डर पिकर. इसमें फोल्डर पिकर होता है, फाइल पिकर होता है. फाइल एक पर्टिकुलर फाइल पिक करवाना है तो फाइल लीजिए, फोल्डर करवाना है तो फोल्डर. ओके आपको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इस कोड में? पहली वाली क्लास याद होगा जब मैंने आपको एक फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट बताया था, उसमें बताया था करने का ऑप्शन. तो आप कर सकते हैं, उतना तो आप होशियार हो ही गए हैं या नहीं हुए हैं? नहीं सर, उत्तर बता दें. और अतीत जी, हेलो. हेलो, यस सर, यस सर. हाँ हाँ, यस सर. अब इसमें आपको दो, इसके अंदर दो एडिशन करना है अपने हिसाब से, आप लोगों को करना है. इसमें पहले एडिशन करना है कि जैसे कि हमने बताया था आपको कि एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर जितने भी शीट्स उसका डेटा एक के नीचे पेस्ट कर देता है, लेकिन वो पेस्ट करता है सेम फाइल में. तो आपको एक ऐसा मैक्रो बनाना है जिसको रन करते ही वो फाइल पूछता है, वो फाइल का पाथ आप दे देते हो तो उस फाइल को ओपन करके उसके अंदर जितने भी शीट्स का डेटा है उसको एक के नीचे पेस्ट कर देता है. आप सभी नोट कीजिए, पहला काम क्या है, आपको एक ऐसा मैक्रो बनाना है जिसको रन करते ही ब्राउज आएगा. ब्राउज में हम एक पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर को सिलेक्ट किया है वैसे एक फाइल को सिलेक्ट करेंगे, और फिर उस फाइल के अंदर जितने भी शीट्स का डेटा है वो एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे. समझ गए? यस सर. यस सर. डाउट इसमें कुंदन जी, डाउट जीतू जी, जितेंद्र जी, डाउट कोई? नो सर. सर फ्राइडे वाली क्लास भेज देंगे क्या एक बारी? ठीक है. दूसरा आपको क्या करना है इसमें, इसी माइक्रो इसमें सेम है जैसे अभी भी उन्होंने पूछा क्वेश्चंस कि अभी हमने यार देखा कि हमने वन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है,
हो सकता है कि मेरे सीट के हर सीट में डेटा हो, या तो फिक्स हो गया ना कि पहली सीट में, लेकिन मान लीजिए कि एक सीट आउट निकला जिसमें पांच तो पांचों सीट का डेटा एक के लिए पेश करना है, दूसरे फाइल में तीन सीट है तो उसके तीनों सीट का डेटा पेश करना है, मतलब कि हर फाइल के हर सीट का डेटा एक के नीचे पेश करना है। इस माइक्रो में एडिशन करना है, मल्टीप्लाई करना है कि एक के नीचे किस तरह से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और एक कोड मैं आप सबको भेज देता हूं ताकि आप लोग इसका यूज कर सके। जयसवाल जी आ गए ना, नीरज जी भी है, नहीं जीना जी भी है, ठीक है, और बैंकर जी भी थे, नहीं सबको मैंने एक कोड भेज दिया व्हाट्सएप पे, इसको कीजिए, फिर अग-